हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम इस सूट की सिंपल तरीके से कटिंग करने वाले हैं विदाउट प्लेट्स। इसमें हम प्लेट्स नहीं डालेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, हमें फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा निकालना है सबसे पहले। तो हम सूट की लंबाई ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कपड़ा निकाल लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो हमने लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क लगा लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी हमारे दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं, बैक का और फ्रंट का। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक। तो अब हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इसमें वर्क है इसलिए हम बीच सेंटर कर लेंगे इसका कपड़े का वर्क का। और इसमें हिप के अकॉर्डिंग जितना हमारा हिप है उसमें मार्जिन लेके 2 इंच का इतना कपड़ा हम निकाल लेंगे। हमारे सूट के लिए हमें इतना ही कपड़ा चाहिए और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और जो बैक पार्ट था वो कपड़ा लेके उसको भी हमने बिछा लिया है और साइड में सेट कर लिया है और उसके ऊपर ही हमने फ्रंट पार्ट बिछा लिया है। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट की भी। ये हमारे दोनों पार्ट निकल जाएंगे। ये हमने निकाल लिए हैं और अब हम तीरे का नाप लगा लेते हैं। तीरा हमने लिया है 6 इंच और आर्म होल का हम निशान लगाया है 7 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे हम यहाँ से 7 इंच पर और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे और जो हमारा चेस्ट का ना है ये निशान उसको भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से मोढ़े से हिप का निशान लगाएंगे नीचे 15 इंच से। कोई अगर नीचे पहनता है चार्क, कोई ऊंचे पहनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे, कोई जितने भी पहनता होगा। हमने 16 इंच पर लगाए हैं और यह हम आर्म होल की गोलाई डाल लेंगे। जो हमारा आर्म होल का हमने निशान लगाया था तीरे का निशान, उसका हम बीच सेंटर कर लेंगे और वहां से गोलाई पाएंगे इसमें डालेंगे। ये हमारी चेस्ट का हमने निशान लगा लिया है, जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा। मार्जिन हम अलग से लेंगे क्योंकि यह हमारा सूट 4 फोल्ड है तो इसमें हम 4 हिस्से कर लेंगे जितना हमारा मेजरमेंट होगा। ये हमने और जो हमारा चेस्ट का निशान है उसको 3 इंच नीचे तक स्ट्रेट लेके आएंगे और फिर कमर से हम इसको मिलाएंगे। कमर के निशान से हम हिप को मिला देंगे, 2-2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। ये हमारे मार्क लग चुके हैं। अब हम गले का नाप लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और उसकी फ्रंट की लंबाई ली है 6 इंच, बैक गले की 4 इंच लंबाई है और चौड़ाई है वही 2.5 इंच। अब इसमें भी हम गोलाई डाल लेंगे। बैक गले की भी और फ्रंट की भी ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम
तीरे को डाउन करेंगे आधा इंच, जो हमारा तीरा होता है उसको आधा इंच हम डाउन करेंगे ऐसे तिरछा। अब हम सूट की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल का जो बैक पार्ट है वहीं से हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की जो गोलाई हमें डालनी है आर्म होल की, वो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग करके फिर डालेंगे। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है सूट की। और हम अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए ये हमारा बाजू के लिए ये कपड़ा कम पड़ेगा, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। जो हमारे मैचिंग सूट आते हैं उनमें कपड़ा इतना ही होता है कि बाजू में जॉइंट लगाना पड़ता है। यह हम हमारी बाजू की लेंथ ले लेंगे जितनी भी है हमारी, उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 1.5 या 2 इंच जितना भी हम लेंगे वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इस कपड़े का जॉइंट लगाएंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने निकाला था उसके साइड से जो कपड़ा निकला था ना, उसी का हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस कपड़े के भी। जितना हमारा आर्म होल है उसमें मार्जिन लेके 1.5 इंच का फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने 9 इंच हमारा जैसे कि आर्म होल है तो वहीं से, और 5.5 इंच हमारी सूट की गुलाई है मोरी की, तो ये 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। और अब इसकी ऐसे गुलाई डाल देंगे। अब ये इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये अब जो हमारी बाजू है उसके फ्रंट पार्ट में जो गुलाई डलती है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें जॉइंट तो डलेगा, इसलिए पहले हम बाजू में जॉइंट डालेंगे फिर इसकी गुलाई डालेंगे। और अगर आपको हम मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।